आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस से। दोस्तों रिजल्ट पे रिसर्च किया है दोस्तों डॉक्टर शेख जैद, जो कि अपने प्रोफेशन में दोस्तों ऑलरेडी बिजी रहते, साथ में दोस्तों इन्वेस्टमेंट पे खुद रिसर्च करके दोस्तों निवेश करते हैं, राइट। तो हम लोग जैद भाई से आज जानेंगे कि जनरल इंश्योरेंस में बढ़िया कंपनी कौन सी है, और अगर आईसीआईसी लोम्बार्ड भी उन्होंने रिसर्च किया है तो पहले तो क्यों आईसीआईसी लोम्बार्ड, और फिर हम आईसीआईसी लोम्बार्ड से क्या उम्मीद करेंगे, राइट। डॉक्टर जैद फ्रॉम प्रयागराज, वेलकम जैद भाई, सो नाउ स्टेज इज योर्स। थैंक यू सर। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि सर ने मुझे माइक दे ही दिया है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्या ये कंपनी एक मल्टीबैगर पोटेंशियल रखती है कि नहीं, अगर ये रखती है तो हम इसमें आगे बात करेंगे, अगर ये नहीं रखती है तो इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें, राइट। ये सबसे बड़ा सवाल। तो किसी भी कंपनी को जानने से पहले उसकी इंडस्ट्री को हमको जानना सबसे जरूरी है कि अगर वो इंडस्ट्री इंडस्ट्री मल्टीबैगर पोटेंशियल रखती है तो उस इंडस्ट्री में कोई ना कोई अच्छी कंपनी है जो कि मल्टीबैगर पोटेंशियल रखेगी, उसकी लीडर कंपनी, राइट। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्री को। तो सबसे पहले इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो जनरल सारे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को हम दो पार्ट में बांटते हैं, कौन से में, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमारा पहला वीडियो याद करिए, एचडीएफसी लाइफ में सुभाष भाई ने लाइफ इंश्योरेंस को अच्छे से समझाया, एंड अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और जानना चाहते हैं उस वीडियो को जाके देखिए कि क्यों लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट हमारा होना चाहिए, राइट। आज हम किसमें बात करेंगे, आज हम बात करेंगे नॉन लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस के बारे में। जनरल इंश्योरेंस में मेनली हम चार तरह की कंपनीज देखते हैं, सबसे पहले जो गवर्नमेंट कंपनीज पब्लिक सेक्टर की कंपनीज, देन आती है प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज जिसमें कि प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज आती है, देन आती है स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें कि ऐसी कंपनी जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस को ही देती है, एंड लास्ट में आती है स्पेशलाइज इंश्योरेंस कंपनीज जो कि किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए इंश्योरेंस देती है, राइट। तो इस इंडस्ट्री में मींस नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो इंडिया का जो मार्केट है वो है तकरीबन 31.5 बिलियन US डॉलर। ये 31.5 बिलियन US डॉलर है, ये एशिया की फोर्थ लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है, और अगर हम वर्ल्ड में भी देखें तो वर्ल्ड में भी हमारा 15th रैंक आता है, राइट। उसके बावजूद अगर हम अपना पेनिट्रेशन देखें कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन कितना है, पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है कि जीडीपी का कितना परसेंट प्रीमियम दे रहे हैं, तो वो सिर्फ 1% है। वहीं पे अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज देखें तो यूएस जैसे यूएस और कोरिया जैसी कंपनी की 9 और 5.8% का है, मींस यहां पे हम अभी इतना प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं। इसी की तरह से जो इसका सेकेंड होता है कि हम पर कैपिटा कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पर कैपिटा हम कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, सिर्फ $22 का। अभी हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, तकरीबन $2,500, उसमें से हम 22 US डॉलर इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं। जब हमारी इनकम बढ़कर 2,500 से बढ़कर 10,000 होगी तो हमारा यहाँ पे इंश्योरेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मीन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम यहाँ पे एक अच्छा पेनिट्रेशन और एक अच्छी डेंसिटी देखेंगे। मीन्स ये तो कंफर्म हो गया कि अभी ये शुरुआती दौर है, और आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले दशकों में हम इस इंडस्ट्री से एक अच्छा ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं। कितना ग्रोथ उम्मीद करें, ये एक बड़ा सवाल है। अगर इंडस्ट्री का पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पास्ट 2001 से 2008 तक इंडस्ट्री ने 16.6% से ग्रोथ किया। फिर आया है नॉन टैरिफ एरा, नॉन टैरिफ एरा में इंडस्ट्री ने तकरीबन 15.5% से ग्रोथ किया, और इस साल भी इंडस्ट्री तकरीबन 16.4% से ग्रो कर चुकी है। अगर हम इसी ग्रोथ को देखें कि प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ कैसा रहा, तो जहां पे 2000 के दशक में सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज हम इंश्योरेंस के सेक्टर में देखते थे, सिर्फ 0.1% ही नॉन गवर्नमेंट कंपनीज थी, वो 2008 तक बढ़ते बढ़ते इसने 36.6% का मार्केट शेयर लिया। अब ये 36.6% का कैसे हुआ, मींस यहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसका ग्रोथ ज्यादा हुआ कंपैरेटिव टू गवर्नमेंट कंपनीज, इस वजह से इसका मार्केट शेयर बढ़ता गया। और वहीं पे ये जो 15% का ग्रोथ मिला था पूरा इंडस्ट्री को, उसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर से वनस्पत हमारे पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स ने ज्यादा ग्रोथ किया, और अपना जो मार्केट था वो तकरीबन 50% का मार्केट शेयर किया। 2023 में ये बढ़कर 51.4% का हो गया, और हम क्वार्टरली भी देखें मींस 9 मंथ लास्ट ईयर 51.4 का मार्केट शेयर था नॉन अपने प्राइवेट प्लेयर्स का, जो अभी इस क्वार्टर में बढ़कर कितना हो गया 53.8%। मींस यहां पर जो ये ग्रोथ हमको मिली पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, उसमें भी मेजर पार्ट किसने किया, जो ये प्राइवेट प्लेयर्स है उनको उन्होंने लिया। तो ये चीज तो हमको क्लियर होगी कि हमारी नजर किस पे होनी चाहिए, हमारी नजर होनी चाहिए प्राइवेट प्लेयर्स पे, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स की ग्रोथ अपने प्लेयर्स से ज्यादा है।
राइट, ये चीज क्लियर। देख हमारे पास अगला आता है कि इस पूरे इंडस्ट्री में मार्केट शेयर है किसके पास। तो टॉप की जो 8 कंपनीज हैं उनके पास तकरीबन 60% 59% का मार्केट शेयर प्रीमियम का, तो सिर्फ टॉप की 8 कंपनीज ले जाती हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा बड़ा किसके पास है, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, और ये है एक गवर्नमेंट कंपनी, राइट। एक पीएसयू। देन सेकंड किसका नंबर आता है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का। बहुत लेट शुरू हुई, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी दशकों से काम कर रही थी, उसके बावजूद आईसीआई ने बाद में शुरू किया और फिर भी सेकंड नंबर पे पहुंच गई। तो अगर प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनी को भी देखें तो इस टॉप के 8 में क्या क्या आती है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हमारे पास है, बजाज अलायंस हमारे पास है, एचडीएफसी अर्गो हमारे पास है और टाटा एआईजी है। ये 4 मेजर प्राइवेट कंपनीज है। और इसमें हमारे पास डायरेक्टली लिस्टेड कंपनी कौन सी है, इसमें बस डायरेक्टली लिस्टेड कंपनी है सिर्फ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, राइट। सेकेंड नंबर पे आती है बजाज अलायंस, ये डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है, बट अगर हमें फिर भी अगर इन्वेस्ट करना ही है कि चलो बजाज अलायंस में इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, बजाज फिनसर्व ले लेंगे, बजाज फिनसर्व के पास में बजाज अलायंस का पार्ट है, राइट। इसी तरह हमने सोच लिया कि एचडीएफसी अर्गो में हमको स्टेक लेना ही लेना है, तो कैसे लेंगे, एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, एचडीएफसी बैंक के पास बजाज अर्गो का स्टेक है, राइट। तो इस तरह से हम प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को आगे देखते हैं। तो क्वालिटी चेक देखें कि हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो इस इंडस्ट्री में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। मार्केट में डायरेक्टली लिस्टेड कंपनीज कितनी है, 4, 4 में से 2 प्राइवेट की है और 2 गवर्नमेंट सेक्टर की है। सबसे बड़ा मार्केट कैप किसके पास जाता है, आईसीआईसीआई के पास। सबसे ज्यादा प्रीमियम का शेयर किसके पास था, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के पास। और सबसे बड़ा मार्केट कैप किसको मिल रहा है, आईसीआईसीआई को। ऐसा क्यों, बिकॉज आईसीआईसीआई पे इन्वेस्टर्स का ज्यादा भरोसा है, उनको इस कंपनी से गवर्नमेंट कंपनीज के बजाय पर ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है, राइट। तो अब हम यहां से जो प्राइवेट पेयर है उसको कंपेयर करते हैं कि प्राइवेट पेयर में हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, स्टार हेल्थ और आईसीआईसीआई। स्टार हेल्थ क्या है, ये स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है, और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, मतलब वो हेल्थ भी देती है, मोटर भी देती है, सभी तरह के इंश्योरेंस देती है, राइट। तो यहां पे आता है हमारे पास, अगर हम ग्रॉस प्रीमियम की बात करें तो ग्रॉस प्रीमियम आईसीआईसीआई का स्टार हेल्थ से तकरीबन ऑलमोस्ट दुगना ज्यादा है, राइट। मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो, मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो मीन मैनेजमेंट पर कितना एक्सपेंस कर रही है कंपनी, वहां पर भी ये जितना कम होगा उतना बेटर होगा। तो यहां पर भी आईसीआईसीआई का कंपेरेटिव टू स्टार हेल्थ बेटर है। इसके बाद हमारा अगला क्वालिटी पैरामीटर क्या आता है, क्लेम रेशियो, कि मींस किस कंपनी में ज्यादा क्लेम सेटल आ रहे हैं। तो यहाँ पे जितना छोटा नंबर होगा उतना बेटर होगा, यहाँ पे स्टार हेल्थ का क्लेम रेशियो आईसीआईसीआई से बेटर है। और ये डिफरेंस हम क्यों देख सकते हैं, बिकॉज स्टार हेल्थ प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड है और आईसीआईसीआई में वो मोटर इंश्योरेंस का भी पार्ट आता है, जहां पे अच्छे खासे क्लेम देखने को मिलते हैं, राइट। देन आता है कॉम्बिनेशन रेशियो, कॉम्बिनेशन रेशियो भी जितना कम होगा उतना, 100 से कम होगा तो बेटर होगा। यहाँ पे आईसीआईसीआई का 105 है, जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन रेशियो नहीं कहलाता, राइट। बट अगर हम इसके ट्रेंड को देखें, लास्ट ईयर कितना था इसका, 108 का, मींस यहाँ पे ट्रेंड में तो सुधार है बट ये अच्छा नहीं है। और इसी वजह से हमने देखा लास्ट ईयर जब ये बिगड़ा था तो आईसीआईसीआई के शेयर को बहुत ज्यादा मार पड़ी थी, राइट। देन हमारे पास आता है और क्वालिटी पैरामीटर्स, जिसमें आता है सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो आईसीआईसीआई का स्टैंडर्ड से बेटर है 2.5 का। देन यील्ड टू इन्वेस्टमेंट रेशियो, मींस इन्वेस्टमेंट इनकम जो है उसकी यील्ड कितनी है, वहां पे भी आईसीआईसीआई का 7.5 स्टार हेल्थ के 6.9 से बेटर है। लास्ट में रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पे भी आईसीआईसीआई स्टार हेल्थ से बेटर है, 17% की रिटर्न ऑन इक्विटी आईसीआईसीआई रखती है। मींस इस ओवरऑल क्वालिटी पैरामीटर्स हमको ये तो समझ में आया कि हमारे पास 2 कंपनी है, 2 कंपनी में से आईसीआईसीआई कंपैरेटिवली बेटर है। तो आईसीआईसीआई को थोड़ा सा और जानते हैं, तो 2001 में ये जॉइंट वेंचर के रूप में शुरू हुई थी और आज के दिन में ये प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल के पास सिर्फ 11% है, मींस जो मेजर स्टेक है, ये जो मेजर स्टेक है, ये मेजर स्टेक किसके पास है, बड़े इन्वेस्टर के पास। ऑलमोस्ट 89% का जो स्टेक है वो बड़े इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, FII और प्रोमोटर्स के पास है। इसका हिस्टोरिकली देखें तो हिस्टोरिकली पिछले 20 सालों में तकरीबन 26% के CAGR से इसने अपना ग्रॉस प्रीमियम बढ़ाया है, और लास्ट ईयर इसने तकरीबन 21,772 का ग्रॉस प्रीमियम कलेक्ट किया। अगर हम प्रॉफिट को देखें तो पिछले 20 सालों में इसने 33 करोड़ के प्रॉफिट को बढ़ा के तकरीबन 1729 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया।
ये वो साल थे जिसमें 2 साल इसने लॉस पे किया, बट अगर इसी साल में बाकी कंपनीज को देखें तो बाकी कंपनीज भी लॉस में चल रही थी, है ना। बट एक बार जब से घुसा प्रॉफिट में तो इसने लगातार अपना प्रॉफिट बढ़ाया। लास्ट ईयर प्रॉफिट घटे थे 22 में, क्यों घटे थे? ड्यू टू कोविड क्लेम्स, राइट। अगर हम इसके रिजर्व को देखें, क्योंकि प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे थे तो रिजर्व भी इसने पिछले 15 सालों में 19% के सीजीआर से ग्रोथ कराया और आज रिजर्व तकरीबन 9900 करोड़ का है। रिजर्व के बाद में अगर इस रिजर्व को देख लिया ना, अब हम इस 9 मंथ रिजल्ट जिसके लिए हम रुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। 9 मंथ रिजल्ट कैसा आया इस कंपनी का? तो ग्रॉस प्रीमियम में 17.6% का ग्रोथ देखने को मिला। इन्वेस्टमेंट इनकम जो कि लास्ट ईयर बहुत पिटी थी, याद है कोविड के दौरान डेप्ट मार्केट में बहुत ज्यादा दिक्कत आया था, जब बहुत ज्यादा पिट गई थी, बट इस बार इसमें 17.9% का ग्रोथ देखने को मिला। एक्सपेंसेस में 12.9% का ग्रोथ देखने को मिला और प्रॉफिट में हमने देखा 8.3% का ग्रोथ। ये जो ग्रॉस प्रीमियम था ये आया कहां से? जो इसका रेवेन्यू था, मेनली जो रेवेन्यू है वो मोटर इंश्योरेंस से आया है और हेल्थ इंश्योरेंस से आया। मोटर इंश्योरेंस में हमें देखने को मिला 3% का ग्रोथ और हेल्थ इंश्योरेंस में देखने को मिला 33% का ग्रोथ। हेल्थ इंश्योरेंस में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला बट मोटर में हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला, जहां से इसका सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है। ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सबसे बड़ा है वहां पे हमें अच्छा ग्रोथ अभी देखने को नहीं मिला है, राइट। अगर हम एक्सपेंस को देखें तो सबसे बड़ा एक्सपेंस कौन सा होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का? तो उसके क्लेम्स, जिसमें कि 14% का ग्रोथ हुआ, राइट। तो ये तो था रिजल्ट 9 मंथ। इस 9 मंथ रिजल्ट के बाद में हमको देखना चाहिए इसका ट्रेंड कैसा है, कि क्या ये अच्छा होता जा रहा है, क्या ये बुरा होता जा रहा है, ठीक। अगर हम ट्रेंड को देखें तो ग्रॉस प्रीमियम ईयर एंड में लास्ट ईयर 17.3% का था ग्रोथ, क्वार्टर वन में 19.7% का ग्रोथ आया, H1 में 19% का ग्रोथ आया और इस बार 9 मंथ में 17.6% का ग्रोथ आया। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तकरीबन 18% का ग्रोथ तो इस साल देखने को मिले, राइट। प्रॉफिट का ट्रेंड देखें तो लास्ट ईयर 36% का ग्रोथ हमको देखने को मिला, अभी क्वार्टर वन में 11.7% का ग्रोथ, H1 में 33% का ग्रोथ देखने को मिला, अभी हमने देखा 8.3% का ग्रोथ। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7% का तो हमें प्रॉफिट में ग्रोथ मिले, राइट। तो हमारे यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में हम प्रीमियम को 18% से ग्रोथ करते हैं कि एक्सपेक्टेशन रखते हैं और प्रॉफिट का 7% से ग्रोथ, और लॉन्ग टर्म में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी 13% से तो अपना प्रीमियम और प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाए, राइट। इस हिसाब से हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या होने चाहिए? फ्यूचर प्रोजेक्शन में हम देखते हैं कि 2023 में जो 21,772 करोड़ का प्रीमियम आया था, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2024 में तकरीबन 25,691 करोड़ का ये प्रीमियम जनरेट करे और यही 2035 में 2035 में 98,500 के अराउंड प्रीमियम कलेक्ट करे, राइट। प्रॉफिट के बारे में देखें तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 2023 का जो 1,730 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़कर 1,850 करोड़ का हो जाए और 2035 में हम इसी प्रॉफिट को बढ़ते हुए तकरीबन 15,000 करोड़ के प्रॉफिट को टच करते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस हिसाब से हमारा फेयर वैल्यू क्या बन के आता है? इस हिसाब से हमारा फेयर वैल्यू 2024 का तकरीबन 1,123 मीन्स 1,123 का बन के आता है। वहीं पे 2035 तक यही फेयर वैल्यू बढ़ के 12,000 के आसपास का फेयर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या ये कंपनी अपने फेयर वैल्यू पे मिल रही है? तो चलिए चार्ट्स पे देखते हैं। चार्ट्स में हमें मालूम पड़ रहा है क्या कि वैल्यूएशन के हिसाब से पीई जो है फॉरवर्डेड वो 40 का है और पीईजी 6 का है, मींस इसके हिसाब से अभी ये थोड़ी कंपनी महंगी मिल रही है। अगर ये हमें 1,150 के आसपास खरीदने को मिलती है तो ये एक बहुत अच्छा अक्युमुलेशन जोन होगा, तो नियर 1,150 हम इसको कलेक्ट करेंगे और तकरीबन 1,775 पे हम अपना शॉर्ट टर्म टारगेट रखते हैं और इस तरह के स्टॉक को हम मल्टी ईयर रैली के लिए अपने पास होल्ड करके रखते हैं। इस पूरे प्रेजेंटेशन में हमको जो बातें ध्यान रखनी है, ग्रोथ मिला है बट जो इसका मेजर है वो है मोटर से, वहां पे भी अच्छा ग्रोथ अभी देखने को नहीं मिला है। कॉम्बिनेशन रेशियो इंप्रूव हुआ है बट वो अभी भी 100 के ऊपर है, राइट। तो अगर ये शेयर करेक्ट होता है तो हमें अच्छे प्राइस पे इसको कलेक्ट करना चाहिए और मल्टी ईयर रैली के लिए इस तरह के शेयर्स को अपने होल्ड में रखना चाहिए। इस शेयर का पोर्टफोलियो एलोकेशन कितना होना चाहिए? 2% का एलोकेशन सफिशियंट है। अगर आगे अच्छा ग्रोथ मिलेगा तो इसको बढ़ाएंगे, नहीं मिलेगा तो कुछ कम करेंगे, राइट। एंड ये था हमारा प्रेजेंटेशन आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के बारे में। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाइंग सेलिंग की टिप नहीं है। प्लीज अपना खुद का रिसर्च करें। थैंक यू वेरी मच जैद भाई, आपने बहुत ही अच्छे जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया। जो चीजें मैंने नोट की वो मेरे ख्याल से आपकी आपके प्रेजेंटेशन के दरमियान आपने बताया कि जनरल इंश्योरेंस ग्रो करेगा, तो मुझे ग्रोथ चाहिए और वो ग्रोथ मुझे 15% का यहाँ पे मिल सकता है।
प्रोवाइडेड जैसा आपने बताया प्राइवेट इंश्योरेंस में अगर हम निवेश रखते हैं तो। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जैद भाई आपको कौन सी पॉलिसी लेने की वो नहीं कह रहे, बराबर कह रहे, ऐसा नहीं कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस का पॉलिसी न लो ना इसी से, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो आपको आपके एजेंट को पूछना है, राइट। ये हम उनका फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। तो ग्रोथ चाहिए तो जैद भाई ने बोला प्राइवेट में आ जाओ, प्राइवेट में बहुत सी कंपनी है। यहाँ पे हमको जैद भाई से इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि भी लीडर कौन है, तो आईसीसी लोम्बार्ड, राइट। सेकंड लीडरशिप किसके पास है, बजाज अलियांस, राइट। तो आप लीडर के साथ रहते हो दोस्तों, आपको ग्रोथ मिलता है, आने वाले समय फायदे होते हैं। आपने पूरी हिस्ट्री देखी कैसे कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दोनों दिया है। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा दोस्तों कि जब आईपीओ इसका आया, राइट, उससे पहले हमने ग्रोथ बढ़िया देखा था। तो हमने आईपीओ के समय पैसा लगाया, शुरुआत के 3 साल में 3 गुना, शुरुआत के पहले 3 साल में 3 गुना। तो सब लोगों को उस समय की हॉट टिप क्या हुआ करती थी पता है, अरे यार आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ले लेने का, देखो कितना दौड़ रहा है दोस्तों। लोग भूल जाते हैं कि 3 साल में अगर वो दुगना हुआ है, 3 साल में 3 गुना हुआ है, तो हर रैली में करेक्शन भी आता है और करेक्शन के और साइन में टेंशन नहीं लेना है। अभी 3 साल से चला ही नहीं है, राइट। पिछले 3 साल से लाइफ जनरल ये सारी कंपनियां करेक्शन में थी, चैलेंजिंग मोड से गुजर रही थी। बहुत ही अच्छे पॉइंट आपको जैद भाई ने बताया कि देखो पिछला साल बॉन्ड मार्केट के चैलेंजेस, राइट, ये साल अब आपको रिकवरी दिख रही है, किसमें, प्रीमियम में 16% ग्रोथ मेरे ख्याल से जैद भाई आपने बताया है। गुड ग्रोथ यार, 16% ग्रोथ अच्छा ग्रोथ है, राइट, ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी सुधर रही है। तो हम नियर टर्म में देखो, अभी भी हमने लाइफ टाइम में नहीं लगाया है क्या, नहीं, किसी ने पिछले साल लिया जैद भाई तो उनको 40% मिला होगा शायद, 40% जैसे रैली किया तो वो बोलेंगे बहुत अच्छा चला लूंगा। 2 साल पहले किसी ने लिया तो उसने देखा 50% 40% चला, हाथ क्या लगा, कुछ भी नहीं, राइट। तो ऐसे 2 साल में कुछ भी नहीं है, बट इट्स ऑल राइट दोस्तों, आपके जो शेयर है वो ऐसे ही चलने वाले हैं। 3-4 साल रैली करेंगे, कंटिन्यू रैली करेंगे, 3-4 साल करेक्ट होंगे, करेक्ट होने दो, ऐसे समय एसआईपी करो। सो यू नीड टू डू एसआईपी आने वाले समय में, जैसे लाइफ जनरल ये सब में स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी दोस्तों, आपके शेयर्स को दौड़ना है, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू एक्यूमुलेट दिस काइंड टाइप ऑफ शेयर्स, राइट जैन भाई, बराबर की नहीं सर? थैंक यू सर। आपने और कुछ इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट इनकम की दी ना, कितने इन्वेस्टमेंट इनकम हुई अंदाजे से? 11,000 तकरीबन, 11,000 करोड़ के आसपास, तकरीबन 11,000 करोड़ ना। तो देखो ये एक अपनी सेफ्टी है, लोगों को लगता है जनरल इंश्योरेंस बड़ा रिस्की है यार, प्रीमियम आते हैं ना, क्लेम बहुत आते हैं, पर देखो कंपनियां सेफ्टी भी कर रही है। अब ये इनको इन्वेस्टमेंट इनकम 10,000 करोड़ आने लगी, ये तो शुरुआत है। ये लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं दोस्तों, इनका 80-90% डेप्ट मार्केट में इन्वेस्ट रहता है, बाकी शेयर बाजार में करते हैं। मैंने अभी जस्ट आईसीआईसी का अपडेट पढ़ा कि इन्होंने कुछ अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ शायद 200 करोड़ के आसपास की रकम इन्होंने एचडीएफसी लाइफ में लगाई, इन्वेस्ट किया। अब एचडीएफसी लाइफ एक अलग सेगमेंट है, लाइफ इंश्योरेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी में इनको भी कुछ मिलेगा। इन्होंने करीबन 200 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्री में निवेश किया, यही महीना करीबन 100 करोड़ कर्नाटक बैंक में लगाया। तो ये लोग भी आप ही की तरह पोर्टफोलियो बना रहे हैं, इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं, राइट। तो आपको दोनों प्रकार से इनकम आती है, कंपनी के प्रॉफिट होते हैं और ये इन्वेस्टमेंट इनकम का लाभ आपको लॉन्ग टर्म होता है। मेरे हिसाब से अगर मैं इन्वेस्टेड रहता हूं, मुझे जिंदगी भर कंसिस्टेंट डिविडेंड मिल सकता है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच जैन भाई, और कोई सपोर्ट मैं भूल गया तो आप बता सकते हो? नहीं सर, ऑलमोस्ट कवर्ड है। तो बने रहे ना, अभी इसमें अभी तो अप ट्रेंड लग रहा है और ये फटेगा लगता है, अभी तो आगे आना है। या ग्रेट ग्रेट, ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू जैद भाई।